क्या नाम हुआ आपका? संतोष तिवारी। कहाँ घर है गुरुजी? यही कस्बे में ही, मछली शहर से ही। हाँ, मछली शहर प्रॉपर से हैं। ये मछली शहर में भाजपा ने अपने पुराने बीपी सरोज को प्रत्याशी बनाया है और अभी घोषणा हुई कि समाजवादी पार्टी ने प्रिया सरोज को टिकट दिया, तो मैं पहले ये आपसे जानना चाहता हूँ कि बीपी सरोज जो है कि कौन मतलब बढ़िया बेटर लग रहा है, कौन जीत सकता है ये चुनाव अभी जो गणित है? देखिए, बीपी सरोज का 5 साल का कार्यकाल देखा गया। अच्छा, 5 साल में उन्होंने सिर्फ एक समाज को साधने का कार्य किया, सरोज समाज को। अच्छा। लेकिन तूफानी सरोज यहाँ से पहले सांसद हुआ करते थे जी। मेरे जीवन में 42 साल के जीवन में मैंने वैसा सांसद नहीं देखा जैसे तूफानी सरोज थे जी। एक हानेस्ट व्यक्ति था और जमीन से जुड़े हुए नेता थे जी। और जनता इस समय जो अभी अभी प्रिया सरोज का टिकट कंफर्म हुआ है तो जनता में एक सुगुवाहट है जी। लोग तूफानी सरोज की जो छवि है वह प्रिया सरोज में देख रहे हैं। अच्छा। और लड़ाई बहुत टक्कर की होगी, कांटे की होगी। प्रिया सरोज मजबूत कैंडिडेट हैं। बीपी सरोज 183 वोटों से पिछली बार जीते हुए थे। इसके आगे मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूं कैसे जीते क्या जीते, लेकिन यह सत्य है कि लड़ाई बहुत कांटे की होगी। लड़ाई बहुत कांटे की होगी, कांटे की होगी। ब्राह्मण समुदाय इनसे नाराज है, बीपी सरोज जी से। क्यों नाराज है? जो तो जो हमेशा सक्रिय रहते हैं, ब्राह्मणों के बीच जाते हैं। ब्राह्मणों के बीच जाते हैं, ब्राह्मणों के बीच रहते हैं, सारी चीज है। लेकिन SC ST लगवाने में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इतना जोर लगाता हो SC ST करवाने में। छोटे छोटे मुद्दों पे ये SC ST करवाने की धमकी देते हैं और करवाते हैं, लगवाते हैं। तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं पंडित जी। नहीं, जो आरोप है वो सत्य है, इसमें कोई बात थोड़ी ना है। वो हमारे ऊपर भी लगवा सकते हैं। नहीं नहीं, आपके ऊपर क्यों लगाएंगे? आप स्वतंत्र हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी स्वतंत्रता से बात रख रहे हैं। मेरा ये कहने का है, वो भारतीय जनता जैसी पार्टी जैसे बड़े दल में है और पंडित जी, ब्राह्मण, ठाकुर लोग उनके साथ रहते हैं, फिर ऐसा कैसे कर लेंगे वो? इनके ऊपर क्यों ये सब निराधार आरोप लगा रहे हैं? हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो तथ्य है सच्चाई मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ मछली शहर लोकसभा में जितने थाने पड़ते हैं आप उसको दिखवा लीजिए। जितने SC ST कायम हुए हैं उसमें से 70% में अगर माननीय सांसद जी का लेटर पैडनल लगा हो तो आप हमें बताइएगा। तो क्या इसका असर पड़ेगा क्या उनके चुनाव में? नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? हमारे ऊपर अगर SC ST कायम हो गया तो मेरे 10 रिश्तेदार हैं, मैं कहूंगा भाई इनको वोट नहीं करना है, ये SC ST लगवाते हैं। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं इसका असर रहेगा। जरूर जरूर असर रहेगा। अच्छा। और यह जो परिस्थितियां बनी हैं, हम लोग तो सीधा प्रिया सरोज को सपोर्ट करेंगे। मतलब सीधा प्रिया सरोज तरफ चले जाएंगे? निश्चित चले जाएंगे। ब्राह्मण होकर आप किस तरह बात कर रहे हैं? ब्राह्मण क्या समाजवादी में नहीं था? समाजवादी के संस्थापक सदस्य रहे जनेश्वर मिश्रा। अच्छा। क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? देखिए, चुनाव तो मोदी मय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैंडिडेट वीक हो सकता है, पार्टी वीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पे चलने वाली पार्टी है और उसने जो कार्य किया है असंभव को संभव किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मछली शहर से कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का कमजोर है, वीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है।